हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्टी जोन फॉर स्मार्ट एंसर। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं 50 एमसीक्यूज के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज जो कि रेलवे में बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो रेलवे के एग्जाम में ये सब क्वेश्चन बार बार आते हैं और रेगुलरली आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन उठा कर देख लो, यहाँ पर रेलवे में ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलने वाले हैं। बहुत सारे लोगों का डिमांड था यहाँ पर कि क्वेश्चन की क्वांटिटी बढ़ाया जाए, तो आज हम लोग यहाँ पर 50 एमसीक्यूज आप सभी के लिए अपलोड कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप सभी को पसंद आए। ठीक है, तो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना। गाइज, आप लोग लाइक बहुत कम करते हो, तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जितने भी हो सके इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, क्योंकि आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर बहुत सारे एमसीक्यूज, जैसे कि एनवायरनमेंट से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आपको एमसीक्यूज मिलने वाले हैं, बहुत सारे एक ही वीडियो मिलने वाले हैं एनवायरनमेंट से क्वेश्चन। ठीक है, तो अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो क्वेश्चन नंबर वन आपके सामने है गाइस, व्हेन ए बॉडी फॉल्स फ्रीली टुवर्ड द अर्थ देन इट्स अ टोटल एनर्जी इज। आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन बताना है इस क्वेश्चन का। सो गाइस, अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगा जिसकी नीड होगी, और बाकी जो क्वेश्चन है जिसमें कि जो नॉर्मल क्वेश्चन है, मतलब छोटे से क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, उसका एक्सप्लेनेशन आप खुद ही अच्छे से देख सकते हो। क्योंकि यहाँ पर जो अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एक्सप्लेनेशन अगर देने जाएंगे गाइस तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। ठीक है, तो 30 मिनट में 50 एमसीक्यूज यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ मैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ओके गाइस, तो यहाँ पर क्या हो जाए, ऑप्शन आपको कौन सा याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है, रिमेंस कॉन्स्टेंट। ठीक है, व्हेन ए बॉडी फॉल्स फ्रीली टुवर्ड द अर्थ देन इट्स अ टोटल एनर्जी इज रिमेंस कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो टोटल एनर्जी होगा वो क्या होगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, वैल्यू ऑफ 1 kJ इज इक्वल टू। तो आपको बताना कि 1 kJ इक्वल टू कितना होता है, यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन यहाँ पर चार आपके सामने है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन बताना है, 1 kJ में कितने जूल होते हैं यहाँ पर पूछा गया है, 1 kJ इक्वल टू हाउ मच जूल। ठीक है, यहाँ पर कितने जूल होंगे। तो आपको बताना है यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर डी याद रखना है। ठीक है, 10^3 जूल यहाँ पर हो जाएंगे 1 kJ में। अब यहाँ पर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है गाइस, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स अ चेंज इन पोजीशन और शेप इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स अ चेंज इन पोजीशन और शेप इज कॉल्ड। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल पोटेंशियल एनर्जी याद रखना है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सामने गाइस, डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ अ सोलर एनर्जी विद द यूज ऑफ अ फोटोवोल्टिक सेल रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ। तो आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन बताना है, क्वेश्चन आपके सामने है। तो यहाँ पर फोटोवोल्टिक को क्या बोल सकते हैं हम लोग, पीवी भी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म उसका क्या होता है, पीवी सेल भी हम उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होगा गाइस कि जो यहाँ पर जो सोलर जो प्लेट होता है वो क्या यहाँ पर कन्वर्ट करता है, सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है। आपको याद रखना है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट करता है सोलर एनर्जी को। ठीक है, आप यहाँ पर डायरेक्टली आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा गया डायरेक्टली कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी विथ द यूज ऑफ अ फोटोवोल्टिक सेल रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन बी याद रखना है इस क्वेश्चन का। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट ऑप्शन हो गया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है गाइस, ए फोटो इलेक्ट्रिक सेल कन्वर्ट्स। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन बताना है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल कन्वर्ट्स। तो आपको यहाँ पर याद रखना है क्या, ऑप्शन डी आपको याद रखना है, लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ये क्या करता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर
सिक्स की तरफ चलते हैं, सितार इज यूज टू कन्वर्ट। तो सितार को हम लोग क्या कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं, तो वहां पर गाइज अगर आप सितार की बात करें तो आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पर हम लोग वहां पर क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, वो हम लोग क्या प्रोवाइड करता है, साउंड प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी इंटू साउंड आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स का ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर सेवन आपके सामने है गाइस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफाइंस पावर। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन बताना है इस क्वेश्चन का। तो इसका यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर एट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर एट है गाइज, अब मैच द फॉलोइंग लिस्ट। तो आपको यहाँ पर फॉलोइंग लिस्ट को मैच करना है, ठीक है। यहाँ पर डिवाइसेस दिए गए हैं, इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन से डिवाइस क्या कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पर आप बहुत इजीली मैच कर सकते हो, ठीक है। डायनमो यहाँ पर क्या करता है, माइक्रोफोन क्या करता है, लाउड स्पीकर क्या करता है, आपको यहाँ पर बताना है क्या करता है इसे। तो यहाँ पर एट की बात करें तो ऑप्शन तो यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, तो यहाँ पर एट की बात करेगा तो आप इजिली मैच कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि लाउड स्पीकर के बारे में आपको पता है क्या करता है लाउड स्पीकर, मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, साउंड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये साउंड में कन्वर्ट करता है। तो ये बाकी सारे भी आप मैच कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर हम लोग बात करें अगर डायनमो की बात कर ले, तो डायनमो यहाँ पर जानते हो आप लोग क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है। लाउड स्पीकर की बात करें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो अब मूव करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर नाइन आपके सामने है, इन विच मीडियम वेलोसिटी ऑफ साउंड इज अ मैक्सिमम। कौन से मीडियम का यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ साउंड मैक्सिमम होता है आपको बताना है, कौन से मीडियम का वेलोसिटी ऑफ साउंड मैक्सिमम होता है। ऑप्शन चार आपको दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन बताना है। तो क्वेश्चन नंबर नाइन के लिए आपको क्या याद रखना है गाइस, आपको यहाँ पर याद रखना है मेटल्स। मेटल्स इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, मेटल्स आपको यहाँ पर याद रखने हैं, ठीक है। इसकी वेलोसिटी यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ साउंड यहाँ पर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर टेन की तरफ चलते हैं। साउंड कैन नॉट पास थ्रू, तो किसके थ्रू साउंड पास नहीं कर सकता आपको बताना है, कि साउंड किसके थ्रू ट्रैवल नहीं कर सकता, पास नहीं कर सकता। आपको यहाँ पर बताना है कि साउंड किसके थ्रू पास नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, वैक्यूम इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टेन की बात करें तो ऑप्शन डी आपका याद रखना है, ठीक है, डी आपका याद रखना है, वैक्यूम। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर इलेवन आपके सामने है गाइस, अमोंग द फॉलोइंग मटेरियल्स साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन। तो किसके यहाँ पर थ्रू साउंड फास्टेस्ट ट्रेवल करेगा आपको बताना है, किसमें यहाँ पर फास्टेस्ट ट्रेवल करता है साउंड। तो बिल्कुल यहाँ पर स्टील के थ्रू यहाँ पर ये फास्टेस्ट ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टील इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इलेवन क्वेश्चन नंबर का ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्टील आपका राइट हो जाने वाला है। अब यहाँ पर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व आपके सामने है गाइस, द वेव्स विच नीड अ मटेरियल मीडियम फॉर अ देयर प्रोपोगेशन आर कॉल्ड। द वेव्स विच नीड मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन आर कॉल्ड। तो बिल्कुल यहाँ पर मैकेनिकल वेव आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपको याद रखना है, मैकेनिकल वेव इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर थर्टीन की तरफ मूव करते हैं। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डज नॉट डिपेंड ऑन, तो ये यहाँ पर आपको बताना है कि राइट ऑप्शन इसका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर थर्टीन का, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डज नॉट डिपेंड ऑन, साउंड का जो वेलोसिटी है एयर में किस पर डिपेंड नहीं करता है। तो प्रेशर ऑफ एयर बिल्कुल यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, प्रेशर ऑफ एयर इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड
for measurement of temperature. Which of the following is not used for measurement of temperature? 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कौन सा ऐसा ऑप्शन में है जो यहाँ पर टेम्परेचर मेज़र हम लोग इससे नहीं करते हैं, ठीक है, जो टेम्परेचर को मेज़र करने में यूज़ नहीं होता। तो यहाँ पर आप देखो थर्मोकपल्स दिया गया है, थर्मो स्टैट्स दिया गया, और यहाँ पर देखो नीचे में पैरोमीटर दिया गया। तो आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन बताना है, ऑल आर यूज्ड भी यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर ऑल आर यूज्ड होगा, ठीक है, सारे को यूज़ हम लोग करते हैं, तो यहाँ पर ऑल आर यूज्ड हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल आर यूज आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका है, व्हेन अ व्हीकल पासेस टीवी रिसेप्शन गेट अ डिस्टॉर्टेड व्हिच दिस इज बिकॉज। व्हेन अ व्हीकल पासेस टीवी रिसेप्शन गेट अ डिस्टॉर्टेड दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों होता है आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको बताना है राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 का। तो क्वेश्चन नंबर 15 का बी बिल्कुल याद रखना है आपको, स्पार्क प्लग क्रिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वैक्यूम यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ओवन, चार ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं, एक्स रेस यूवी रेस एंड माइक्रोवेव्स एंड ऑप्शन डी रेडियोवेव्स। सो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पर माइक्रोवेव्स यूज़ करते हैं, ठीक है, माइक्रोवेव्स यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है गाइस, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज अफेक्टेड बाय अ चेंज इन द, आपको बताना है कि वेलोसिटी साउंड का जो वेलोसिटी है किसके वजह से, जो एयर में किसके वजह से अफेक्टेड होता है, किसके चेंजेस से अफेक्टेड होता है आपको बताना है, चेंज इन द, ऑप्शन डी आपको याद रखने हैं, ठीक है, ऑप्शन डी ए एंड बी दोनों होगा, ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एयर एंड बी इज टेम्परेचर ऑफ एयर, तो यहाँ पर दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी 18 क्वेश्चन नंबर का याद रखना है आपको। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं, लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन, जो साउंड का जो लाउडनेस होता है और उसका जो इंटेंसिटी या उसका इंटेंसिटी होता है वो किस पर डिपेंड करता है आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, लाउडनेस या उसका इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करता है वो पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो बिल्कुल यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाने वाला है उसका क्या हो जाने वाला है, ऑप्शन सी एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं, तो 20 क्वेश्चन नंबर आपके सामने है गाइस, द रेडिएशन इनिशियली प्रोड्यूस इन अ फ्लोरोसेंट ट्यूब इज, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, द रेडिएशन इनिशियली प्रोड्यूस्ड इन फ्लोरोसेंट ट्यूब इज, तो आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन बताना है क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर 20 क्वेश्चन नंबर का राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाने वाला है, ठीक है, अल्ट्रा वायलेंट इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, द ऑडियो सिग्नल ऑफ टीवी आर, द ऑडियो सिग्नल ऑफ टी वी आर, तो बिल्कुल यहाँ पर फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड होगा, बिल्कुल यहाँ पर किसके ऑडियो सिग्नल क्या होता है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड होता है, बिल्कुल यहाँ पर फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड इज राइट ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, 22 की तरफ, ठीक है 22। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है गाइज, बहुत ही छोटा, बिल्कुल एक सेकेंड में आंसर आना चाहिए। हर्ज आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, वहाँ पे बिल्कुल यहाँ पर टिक लगाना है हर्ज। अब यहाँ पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, तो यहाँ पर साउंड का जो स्पीड होता है वो एयर में कितना होता है अप्रॉक्सीमेटली, वो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आरआरबी जेई 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने पहले ही बताया था कि जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि रेलवे में बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। रेलवेज में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप एएलपी का भी एग्जाम ले लो या एनटीपीसी का भी एग्जाम ले लो, वहाँ पर भी पूछे जाते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन। तो रेलवेज का कुछ फेवरेट क्वेश्चन होता है जो कि हमेशा वो पूछता है, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि आपका जो एग्जाम है अगस्त में बिल्कुल यहाँ पर स्टार्ट हो जाने वाला है, जैसे कि नोटिफिकेशन रेगुलरली आ रही है, तो अगस्त में आपका एग्जाम हो सके स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 23 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल 330 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो जो स्पीड होता है साउंड का वो कितना होता है, साउंड का जो स्पीड होता है अप्रॉक्सीमेटली बात करें तो 330 होता है, आपको यहाँ पर माइंड में ये बात यहाँ पर बैठा के रखनी है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ 24, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव विथ अ टाइम पीरियड 0.025 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव क्या होता, क्या कितना होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव यहाँ से आपसे पूछा गया है, और साथ ही साथ यहाँ पर टाइम पीरियड दे दिया गया है, ठीक है। तो जैसे कि अभी सभी को पता है कि यहाँ पर क्या होता है, 1/T आपका हो गया है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी वेव। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 1 से इसको सिंपली डिवाइड कर देंगे टाइम पीरियड का। जैसे ही टाइम पीरियड को 1 से डिवाइड करेंगे 40 हर्ज आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाने वाला है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव जो टाइम पर इन्वर्सली डिपेंड करता है, आप देख सकते हो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है, आप देख सकते हो बिल्कुल यहाँ पर सिंपल कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। अगर नीचे वाला का वैल्यू बढ़ेगा तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू है वो क्या होगा, ऑब्वियसली घटेगा। मान लो कि यहाँ पर अगर टाइम पीरियड 1 दिया होता तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना आता, 1 हर्ज आपका आ जाता है, ठीक है। तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, इन एमआरआई मशीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड। तो बिल्कुल यहाँ पर याद रखना है ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस इज राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने आ चुका है गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, द परसिस्टेंस ऑफ अ साउंड इन अ बिग हॉल ड्यू टू अ रिपीटेड रिफ्लेक्शन फ्रॉम वॉल्स सेलिंग फ्लोर इज नोन एज। तो आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन बताना है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, सबसे पहले यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक बड़े से हॉल में, ठीक है, जो रिपीटेशन, तो जो रिफ्लेक्शन होता है साउंड का, जैसे कि आप लोगों ने सुना है एक बड़े से हॉल में अगर आप बोलोगे तो आपको एक रिफ्लेक्शन भी सुनाई देगा, ठीक है। आप रिफ्लेक्शन भी वहाँ पर सुनोगे कि आप एक बार बोले आपका आवाज़ यहाँ पर क्या गूंज रहा है इधर उधर, आप एक बार बोलोगे आपको लगेगा पीछे से कोई और भी बोल रहा है आप ही की तरह। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो रिफ्लेक्शन सबसे पहले क्या होता है, वॉल से साउंड क्या होता है वहाँ पर टकराता है, ठीक है, उसका सेलिंग में हो गया, फिर फ्लोर से ऊपर नीचे टकराता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं, आपको हमेशा याद रखना है कि रिवाइब्रेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बार बार हो रहा है, ठीक है, बार बार वो वॉल से टकरा रहा है फिर सेलिंग में टकरा रहा है, तो ये क्या होता है वहाँ पर रिवाइब्रेशन होता है। इसके कारण हम लोगों का जो आवाज़ है वहाँ पर एक नहीं दो दो बार सुनाई देता है, अगर आप एक बार बोलोगे तो लगा आवाज़ आपका गूंज रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है रिवाइब्रेशन होता है, उसके कारण वैसा हम लोगों का साउंड सुनाई देता है, ठीक है। तो वहाँ पर रिवाइब्रेशन होता है, तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। वाई आर be able to hear a short wave broadcast better than the long wave broadcast. तो आपको बताना है कि यहाँ पर right option क्या हो जाएगा question number 27 का। तो question number 27 का आपको याद रखना है, option A आपको याद रखना है, short wave are more energetic than long wave. Okay, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर short wave को use करते हैं। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर right option हो जाएगा, option number A right हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर
28 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है गाइस. द साउंड्स हैविंग अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज आर नोन एज. आपको यहां पर राइट ऑप्शन बताना है. तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, आपको यहां पर राइट ऑप्शन बताना है. ऑप्शन नंबर ए आपको बताना है. ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा. ऑडिबल साउंड इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट हो जाएगा. नाउ अब यहां पर बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की. द पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स अपॉन. चार ऑप्शन आपके सामने है. 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है जेई में गाइस. तो आपको यहां पर राइट ऑप्शन बताना है. तो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल 29 क्वेश्चन के लिए आपको याद रखना है ऑप्शन ए. फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने. द बैट्स कैन फ्लाई इन द डार्क बिकॉज. द बैट्स कैन फ्लाई इन द डार्क बिकॉज. जो चमगादड़ होता है वो डार्क में कैसे फ्लाई करता है आपसे पूछा जा रहा है. फ्लाई इन डार्क बिकॉज. तो ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल आपको ऑप्शन नंबर डी याद रखना है. दे जेनरेट अल्ट्रासोनिक साउंड वेव. ओके, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपको डी आपको बिल्कुल याद रखना है. दे जेनरेट अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स. अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन हेयर अ इंफ्रासोनिक साउंड. चार ऑप्शन आपके सामने है. राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 31 का आपको बताना है क्या हो जाएगा. तो बिल्कुल यहां पर ऑप्शन बी रेनोसिरोसिस इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. रेनोसिरोसिस इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपको यहां पर याद रखने हैं. तो अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो आपको यहां पर क्या याद रखना है, 32 मिक्का इज बिल्कुल यहां पर 32 आपका राइट ऑप्शन हो जाने वाला है. ठीक है, तो आपको यहां पे ऑप्शन ए याद रखना है. अब क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है. वन कैलोरी इज इक्वल टू. क्वेश्चन नंबर 13 के ऑप्शन आपको 4.18 जूल याद रखने हैं. ऑप्शन सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा. तो आपको यहां पर ऑप्शन सी याद रखना है. 4.18 जूल आपको याद रखना है. अब क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है गाइस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, तो बिल्कुल मर्करी आपका यहां पर राइट हो जाएगा. मर्करी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था. मर्करी आपका बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएगा. अब क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ आ चुके हैं. तो व्हेन मदर वाज हीटिंग द ओवन टू अ सर्टेन टेम्परेचर फॉर अ बेकिंग अ केक, द डॉक्टर वांटेड टू नो द डिफरेंस बिटवीन द हीट एंड अ टेम्परेचर इन मदर रिस्पॉन्स. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज इनकरेक्ट. विच वन ऑफ द स्टेटमेंट वाज इनकरेक्ट. विच वन स्टेटमेंट वॉज इनकरेक्ट. 2004 में यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन. 2004 में यह क्वेश्चन पूछा गया है. तो आपसे पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है. ठीक है, तो 35 का यहाँ पर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी. हीट एंड टेम्परेचर बोथ फ्लो बिटवीन टेम्परेचर्स, ये आपका बिल्कुल यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाने वाला है ऑप्शन सी. अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ. तो क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है. विच वन अमोंग द फॉलोइंग इज एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. केल्विन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाने वाला है क्वेश्चन नंबर 36 का. तो आपको याद रखना है केल्विन बी इज द राइट ऑप्शन. अब यहां पर आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ. द सेल्सियस टेम्परेचर इज एन 37 क्वेश्चन नंबर आपके सामने है गाइस. तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा, राइट बिल्कुल सी हो जाने वाला है. स्पेसिफिक टेम्परेचर आपका राइट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं. रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज ऑलवेज.
चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन बताना है। तो इसके लिए आपको क्या याद रखना है, 38 के लिए आपको याद रखना है ऑप्शन ए ग्रेटर देन द अपेरेंट एक्सपेंशन। आपको यहाँ पर ऑप्शन ए याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की 39 की तरफ चलते हैं। द टेम्परेचर विच हैज़ द सेम रीडिंग ऑन द बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल इज, सेल्सियस स्केल इज। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर याद रखना है कौन सा आंसर। 39 के लिए आपको बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन बी याद रखना है, -40 डिग्री आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट आपके सामने है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन स्केल। तो आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ यहाँ पर वाटर बताना है क्या हो जाएगा। 2014 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। चार यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, तो बिल्कुल आपको यहाँ पर 40 के लिए याद रखना होगा कि यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 373 के आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। सो गाइज, अब क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ आते हैं। ए गैस थर्मोमीटर इज मोर सेंसिटिव देन ए लिक्विड थर्मोमीटर बिकॉज अ गैस। 41 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 41 का राइट ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सी हो जाएगा, एक्सपेंड मोर देन अ लिक्विड, एक्सपेंड्स मोर देन अ लिक्विड, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज, एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज। 42 का यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी आपको याद रखना है, इसका ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सबस्टेंस डिपेंड अपॉन, स्पेसिफिक हीट ऑफ सबस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, स्पेसिफिक हीट ऑफ सबस्टेंस डिपेंड्स अपॉन। तो बिल्कुल आपको यहां पर क्या याद रखना है, 43 का जो राइट ऑप्शन आपको डी याद रखना है, नेचर ऑफ द सबस्टेंस, नेचर ऑफ द सबस्टेंस, नेचर ऑफ द सब्सटेंस आपका यहां पर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ आ चुके हैं। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बॉडी ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो आपको यहां पर याद रखने हैं कौन, कितने याद रखने हैं आपको यहां पर 44 के जो आंसर है 98.4 फ़ारेनहाइट आपको याद रखने हैं, ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ आ चुके हैं। प्योर वाटर फ्रिजेस एट, बिल्कुल यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, 32 फ़ारेनहाइट आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एट वॉट टेम्परेचर द फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल वुड बी अशेम, वुड बी शेम, दोनों सेम किस टेम्परेचर पर होंगे, तो आपको यहाँ पर क्या टेम्परेचर होना चाहिए, तो आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन बताना है। 46 का बिल्कुल आपको याद रखना है ऑप्शन बी, 574.25 डिग्री इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 आ चुका है। ऑन व्हाट टेम्परेचर वाटर एक्सपैंड वेदर इज हीटेड और कोल्ड, कूल्ड, आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन बताना है क्या हो जाएगा। ऑन व्हाट टेम्परेचर वाटर एक्सपेंड वेदर इज इट इज हीटेड और कूल्ड। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर जो टेम्परेचर याद रखना है, इसका जो टेम्परेचर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4 डिग्री यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाने वाला है इसके लिए, तो याद रखना है 4, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन 48 की तरफ आ चुके हैं। अ स्मॉल गैप इन अ लेफ्ट एट ज्वाइंट ऑफ रेल्स इन अ रेलवे ट्रैक टू, तो आपको यहां पर राइट ऑप्शन बताना है, बिल्कुल यहां पर याद रखना है आपको ऑप्शन ए, अवॉइड द ट्रैक बीइंग अ डिस्टॉर्टेड ड्यू टू अ सीजनल टेम्परेचर वेरिएशन, बिल्कुल आपको याद रखने हैं, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ आ चुके हैं। मेटल टी पॉट्स हैव अ वुडन हैंडल्स बिकॉज, तो आपको यहाँ पर 49 का आंसर क्या याद रखना है गाइस, तो 49 का जो आंसर है आपको याद रखना है
बिल्कुल ऑप्शन ए याद रखना है, वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नाउ हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग मूव करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 50 मेरा यहाँ पर आ चुका है, आप सभी का देख सकते हो 50 क्वेश्चन नंबर आ चुका है। तो 50 क्वेश्चन नंबर आज आपका कंप्लीट हो गया। तो लास्ट क्वेश्चन है आज का आपका, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैविटेरियन इज यूज फॉर एनी मेटल टू यूज एज अ कुकिंग मटेरियल। तो बिल्कुल आपको 50 क्वेश्चन नंबर का बी याद रखना है, मोर थर्मल कंडक्टिविटी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है गाइस, तो आज की इस वीडियो में 50 MCQs आपके कंप्लीट हो गए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे, शेयर करोगे, और चैनल पे जो भी यहाँ पर पहली बार आएंगे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है गाइस, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुँच सके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना गाइस। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।